चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने कल 50 तक देख लिया था कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 के पेपर में, और हमें अभी 2022 के पेपर में पढ़ाई करते टाइम क्या क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, आज हम अपने 51वें क्वेश्चन से चालू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रंजीत सिंह, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। शुकर चकिया से हिस्ट्री में आप ध्यान रखिएगा, मेन मेन इवेंट्स। हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन आपको बहुत डीप में जाएंगे और कुछ नहीं भी बनेंगे ये, लेकिन याद रखना है आपको ये मॉडर्न से क्वेश्चन है। मॉडर्न का मैंने बताया था कि मॉडर्न का आपका 5 से मतलब 6 क्वेश्चन मॉडर्न के मिल सकते हैं, आधुनिक भारत के। ठीक है, फिर ये अंतरिम सरकार है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग। हु हैज़ गिवन द प्रिंसली पोर्टफोलियो इन नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था, तो ये भी आपका मॉडर्न का क्वेश्चन हो गया, आधुनिक भारत का। फिर कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा, ये भी आपका किसे मॉडर्न से रिलेटेड हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन यहीं से हो गए मॉडर्न से रिलेटेड। ठीक है, फिर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से शुरू की, ये भी आपका मॉडर्न से रिलेटेड हो गया, साबरमती से की थी। डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ठीक है, इसमें सबसे पहला राज्य कौन सा था, ये था सतारा, ये भी आपका मॉडर्न है। तो आप देख रहे हैं 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, 2 ये रहे और 5 क्वेश्चन हो गए यहाँ। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप सीधे सीधे देख रहे हैं मॉडर्न से रिलेटेड हो गया। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग, ये आपका यूनिट 10 आयोग से रिलेटेड आ गया, यूनिट 10। यूनिट 10 से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो जैसे ह्यूमन राइट्स का पूछा हुआ है, ठीक है, कौन अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट। अच्छा, जो यूनिट 10 में भी आपको ध्यान देना है कि आपको जो आयोग है, तो आयोग तो दोनों टाइप के हैं, आयोग एक सेंटर लेवल पे भी है, केंद्र के लेवल पे, और एक जो है स्टेट लेवल पे भी है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्टेट लेवल का ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे यहाँ मानवाधिकार आयोग जो है ना, वो किसका पूछा गया है, राज्य वाले का पूछा गया है। चुनाव अधिकारी राज्य वाले का पूछा गया है। ठीक है, ये भारतीय निर्वाचन आयोग, तो ये तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग भी यूपीएससी नहीं पूछा है, बीपीएससी पूछा हुआ है। ठीक है, फिर ये कैट की छुट्टी के बारे में है। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें भी आपके स्टेट के ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें तो बहुत ही लिमिटेड है, मतलब जो जितने भी टॉपिक हैं उसमें भी बहुत लिमिटेड टॉपिक हैं, तो उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब यहाँ के जो 10 क्वेश्चन हैं, इसमें से आप 8 मान के चलिए कि आप आसानी से टारगेट करके जा सकते हैं। ठीक है, जो ये कमीशन वाला आपका पूरा है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें जो अगर आपको सॉल्व करना हो तो सीधे सीधे इसमें आपका विधानसभा अध्यक्ष भी है और नेता प्रतिपक्ष भी था, आंसर चुनाव आयुक्त, ये कौन करता है, राज्य के लिए राज्यपाल करता है। फिर इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये निर्वाचन आयुक्त जो है वो अपना पदत्याग मुख्य निर्वाचन आयोग को नहीं करता, राष्ट्रपति को देकर करता है। तो इसमें सिर्फ पूछा हुआ था कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है, सत्य है, तो कौन सा सत्य है, सिर्फ 1 और 2 सही थे। फिर अधिकतम कितने सदस्य होते हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ पे थोड़ा सा साफ देते हैं, तो कितने होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। फिर कैग की छुट्टी मंजूर करना है ना मंजूर करना, ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड, ये आपके आईटी वाले क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आईटी वाले जितने क्वेश्चन हैं उसमें से आईटी में भी ये साइबर सिक्योरिटी वाला हो गया। ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड, तो कंप्यूटर अगेंस्ट, पासवर्ड थेफ्ट हो गया, ट्रोजन प्रोग्राम हो गया, स्पाईवेयर हो गया, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर था। फिर आईटी वाले मैंने बताया स्कोप बहुत है, तो ई कॉमर्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है, डीप में क्वेश्चन है। फिर ठीक है, ई गवर्नमेंस गवर्नेंस से भी क्वेश्चन है, और ये आपका जो आईटी इंटरनेट वाला है, साइबर सिक्योरिटी है, ये तो पूछा ही गया। फिर ईमेल दैट अपियर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम वन सोर्स बट एक्चुअली हैज बीन सेंट फ्रॉम अदर, ठीक है, जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे द्वारा भेजा जाता है, ये क्या था, ये था आपका स्पूफिंग। ठीक है, ये भी आपका किससे रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है, इंटरनेट में भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। फिर एक नेटवर्क, नेटवर्क से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ये दूसरा आपका हो गया। ये नेटवर्क कौन सा नहीं है, नेटवर्क सर्वर नहीं है। ठीक है, समान नेटवर्क टोपोलॉजी, फिर ये नेटवर्क का क्वेश्चन आ गया, कौन सा नहीं है, ग्रिड नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है कि नेटवर्क के आपको 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो नेटवर्क आपको डिटेलिंग में पढ़ना है। इसके अलावा कंप्यूटर के जितने भी, और नेटवर्क के टाइम पे, इंटरनेट के टाइम पे जो भी है, जैसे कि आपका क्या यूज़ होता है, स्विच हो गया, गेटवे हो गया, राउटर हो गया, ये सारी चीज़ें आप पूछी जा चुकी है, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन, सच्चा न्याय उचित विश्वास,
आपका ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ क्या कहलाता है, ये लग रहा था क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है, मतलब बहुत ही अजीब क्वेश्चन था ये। एक्चुअली आपका आईटी वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया, आईटी वाले से क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका आपका आंसर है नॉलेज, ज्ञान। तो ये याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन मैं बता रही थी ना, स्कोप बहुत ज़्यादा है इन क्वेश्चन का। फिर मालव संवत, ये आपका एमपी हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। एमपी हिस्ट्री ये कौन सा है, कृत संवत है। फिर मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। मिडाइवल टाउन था फेमस फॉर द प्रिंटिंग कॉटन क्लोथ नोन एज छीट। कौन था ये, अपना सिरोंज था। ये मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं हिस्ट्री, इसमें डीप क्वेश्चन है ये, जो आपको बेसिक ऐसे नहीं मिलेंगे हर जगह, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में ही मिलेंगे अगर मिलेंगे तो। फिर स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य। अच्छा, इन क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों से बन जाएंगे, बहुत से नहीं बनेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके वो जो 20 नंबर हम छोड़ के चल रहे हैं ना कि आपको 80 ही टारगेट करना है, तो ये 20 क्वेश्चन में से हैं कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे जाएंगे ही आउट ऑफ सिलेबस वाले कि कहीं पढ़े नहीं सुने नहीं कभी भी, तो उनके लिए घबराना नहीं है, आपको टारगेट करना है उन 80 पे। जैसे ये क्वेश्चन जो आपसे बनने चाहिए, जैसे कि स्पूफिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, स्पैमिंग क्या होता है, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आपको वर्ड्स पता होने चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, जैसे स्पाईवेयर हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, पासवर्ड चोरी, आपका पासवर्ड थेफ्ट हो गया, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर, मालवेयर जितने भी हैं, वायरस, जो भी, ये सारी चीज़ें आपके इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपसे आनी चाहिए। इनके मतलब एक एक वर्ड जैसे हर बार आता है कुछ ना कुछ, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है, DOS, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपसे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो आपको बनने चाहिए, ठीक है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य, असत्य पे ध्यान देना है। इसमें कौन सा था, सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, ये गलत था अपना, ठीक है। सिपाही बहादुर सरकार वॉज एस्टैब्लिश इंदौर, ये इसमें क्या होता है कि आपको कम से कम मतलब एक असत्य बताना है, तो ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, तो ये थोड़ा क्वेश्चन टफ क्वेश्चन में से माना जाता है। मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग भी दिलवा सकते हैं अगर आपका सही होता है, और यही आपको बाहर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है गोटमार मेला। गोटमार मेला आप देख रहे हैं ये किससे है, लोक कला से रिलेटेड ही है, ठीक है। मेला भी पूछा जा चुका है, तो जो आपकी मैक्सिमम चीज़ें हैं किससे रिलेटेड है, लोक नृत्य, लोक कला वाली जितनी भी है, फोक वाली, फोक फेस्टिवल है ये आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गोटमार वाला आंसर क्या है, ये है छिंदवाड़ा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं वाला है, ठीक है। यहाँ पे पूछा हुआ है, यहाँ पे कवि दिया हुआ है, इनकी कविताएं दिया हुआ है। फिर आप कहेंगे कि ये सारी याद करनी है क्या, तो आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि एमपी हिस्ट्री में एक टॉपिक दिया हुआ है जितने भी कवि हैं और उनकी कविताएं, ठीक है, कवि और उनकी कविताएं, तो हाँ पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन इन सब में जब आप अच्छे से देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ, जैसे कि ये हिम तरंगनी जो आपकी फेमस फेमस बुक्स है, ठीक है, फेमस की बात करियो, जो हिम तरंगनी है वो आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की फेमस बुक है, तो आपको फिर ऐसे ध्यान से देखना है कि जब नहीं है ना कुछ असत्य निकालना होगा, तो एक छोटा सा आपको बीच में क्या दे देगा, इंपॉर्टेंट सी कविता दे देगा, तो आपको वो पहचानना रहेगा। आपको पूरी पूरी याद नहीं करनी रहेगी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद करनी है, ठीक है। और ये आपको कविताएं याद करनी ही है कवि के साथ, क्योंकि आपका टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा ही गया है 2021 में, तो आपको ये याद रखना है, और इंपॉर्टेंट जितनी भी कविताएं हैं वो याद रखनी है। फिर भारतीय संविधान 338, ये किससे रिलेटेड हो गया अपना, ये भी यूनिट 10 से रिलेटेड है, जो आपका कमीशन फॉर नेशनल शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग से रिलेटेड है। आर्टिकल पूछा हुआ है, ठीक है, आर्टिकल पूछा हुआ है, तो आर्टिकल जितने भी हैं जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अभी हमने ऐड कर दिया इसको, और मानवाधिकार के लिए तो अलग से जो एक्ट बना हुआ है, तो एक्ट में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो, तो आपको ये तो सारे डिटेल में ही पढ़ने हैं, आयोग से रिलेटेड हर चीज़ डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि डिटेल में, काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है, ठीक है। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम, देखिए ये मतलब दोबारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसकी धारा 20 पूछा हुआ है यहाँ पे, सेक्शन 20। अभी सूचना का अधिकार अधिनियम मतलब ये इन्फॉर्मेशन एक्ट एक बार पूछा ही जा चुका है, तो दो क्वेश्चन आपको उसी उसी के मिल गए। मैंने बताया ना, ये एक्ट आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा,
तो इसमें कौन जुर्माना लगा सकता है? तो ये केंद्र और राज्य सूचना आयोग दोनों लगा सकते हैं। फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो आपका कैग है, कैग का भी ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है? कैग का भी एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं छुट्टी वाला, ये कैग का दूसरा क्वेश्चन है। तो क्या करना है? अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। अच्छा, प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? बार बार पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट को करता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट था नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर था। फिर ये देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग, पिछली बार भी एमपीपीएससी के ही पूल लिए पूछा गया था, ठीक है? पिछले क्वेश्चन में भी, यहाँ भी देखिए आप, कहाँ गया ये, अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो ये भी एमपीपीएससी के लिए ही पूछा गया। और फिर आपको एक फिर क्वेश्चन मिलेगा किससे? एमपीपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी का नहीं पूछा है, तो ये भी एमपीपीएससी का है, ठीक है? नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि राज्य वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन राज्य वाले ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो तो क्वेश्चन आपसे गलत होने ही नहीं चाहिए, ठीक है? फिर ये हो गया विकास निगरानी मूल्यांकन कार्यालय, डीईएमओ। ये डीएमईओ ये किसका था? ये नीति आयोग का था, एक्चुअली नीति आयोग, ठीक है? नीति आयोग से रिलेटेड था। इसका आंसर था 18 सितंबर 2015। नीति आयोग से रिलेटेड है, मतलब यूनिट 10 से ही रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपका नीति आयोग से, ठीक है? याद रखना है आपको, यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग में गया है, मतलब 2016 में सितंबर था कि दिसंबर था, ये थोड़ा डिटेलिंग में गया था। ऐसे क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा मतलब सोचना नहीं है, ठीक है? आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। फिर आ गया मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा भारत संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि 2019, मेरे ख्याल से 18 19 से लेके अभी 2021 वाला पेपर हुआ, तो हर बार आपसे राज्यपाल के नाम देके पूछा गया है। और इसके अलावा जैसे मुख्यमंत्री हो गया, कि तो मुख्यमंत्री के नाम पे कुछ कुछ पूछा गया है, तो सबको, बच्चों को ये लगता था कि यार इतने सारे सारे मुख्यमंत्री रटने पड़ेंगे क्या हमें, राज्यपाल रटने ही पड़ेंगे क्या हमें? तो इसका आंसर है कि हाँ, रटने पड़ेंगे। क्योंकि आप जब सिलेबस देखोगे तो एमपी में जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, एमपी के पॉलिटी में आपको 3 टॉपिक मिलेंगे। एक तो मिलेगा गवर्नर, ठीक है, गवर्नर राज्यपाल। दूसरा मिलेगा जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, तो विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है, विधानसभा से रिलेटेड। उसके अलावा आपको एक और टॉपिक मिलेगा जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो भी हमारे जो मंत्री परिषद वाले थे, तो मंत्री जो बनेंगे उनसे रिलेटेड। तो इसीलिए मंत्री हो गया, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी ऐड कर लीजिए। तो ये नेक्स्ट जो आपका मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री वाला क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में ही सीधे सीधे दिया हुआ है, तो आपको याद ही करने पड़ेंगे पूरे पूरे, हर बार पूछे जा रहे हैं। तो अब वैसे भी समझ में आ ही गया है कि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, बनते हैं, ठीक है? इनमें से अगर देखें आंसर क्या था, ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया कि आपको राज्यपाल सारे याद करने हैं, मुख्यमंत्री उन सारे याद करने हैं। इसमें से जो आपका पूछा था सदस्य नहीं थे, कौन कौन से सदस्य नहीं थे? तो ये वांचू सदस्य नहीं थे, निरंजन नाथ वांचू और सत्यनारायण सिन्हा, ये नहीं थे। तो आपका 2 और 3 सही है, ठीक है? मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता नहीं रहे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट हो गया कि सदन के नेता ही नहीं थे ये, ठीक है? विधानसभा में कौन थे ये? गोविंद नारायण सिंह, ठीक है? फिर यहाँ पे प्रोटम स्पीकर के बारे में पूछा हुआ है, तो विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष प्रोटम स्पीकर भी थे, अध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष भी थे। तो आपको देखो, एक तो राज्यपाल पढ़ना है, राज्यपाल हो गया, फिर सीएम मुख्यमंत्री हो गया, उसके अलावा अध्यक्ष हो गए, ठीक है, अध्यक्ष हो गए, फिर उसके अलावा यहाँ पे प्रोटम स्पीकर के बारे में मेन मेन चीजें पढ़नी है, प्रोटम स्पीकर के बारे में। उसके अलावा जो सचिव है, सचिव के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले सालों में, ठीक है? और क्या पूछा जा चुका है? अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष। अभी एक क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, जो आपका विपक्षी नेता है, विपक्ष का नेता, उससे रिलेटेड, तो विपक्ष नेता से रिलेटेड। तो ये विपक्ष नेता हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, इनसे तो आपको बेसिक बेसिक चीज़ें याद रखनी है, ठीक है? सचिव बेसिक चीज़ें याद रखनी है, लेकिन आपका सीएम, राज्यपाल, अध्यक्ष, ये डिटेलिंग में आ सकता है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, मतलब इनके काफी इनमें आपको टाइम देना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं मध्य प्रदेश के पॉलिटी वाले सेक्शन में, ठीक है? आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ये वाले, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है? तो स्पीकर भी थे, अध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष भी थे, कौन रहे हैं? ये थे राम किशोर शुक्ला, ठीक है?
फिर सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति पे ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? यहाँ पे एक आपको टॉपिक मिलेगा, मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश पॉलिटी वाले सेक्शन में, मध्य प्रदेश पॉलिटी वाले सेक्शन में आपको मिलेगा एक पंचायती व्यवस्था, ठीक है, पंचायती व्यवस्था। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पूछा गया है, जैसे यहाँ पे जिला पंचायत में स्थायी समितियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये डिटेल क्वेश्चन है, तो आपको इसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में। पिछली बार आर्टिकल पूछा गया था, ठीक है, इलेक्शन के लिए, पंचायत के इलेक्शन के लिए कौन से आर्टिकल में है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको डिटेल में, पंचायत वाला या नगर वाला, नगर पंचायत है या फिर आपकी जो नगर पालिका वगैरह है, तो ये सारा आपको अर्बन वाले में और गांव वाले में दोनों में आपको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल सही, ठीक है। इसमें जैसे था कि इसके अगर है तो पंच कर सकते हैं, ठीक है, पंच कर सकते हैं, पंच ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्राम पंचायत इलेक्टेड बाय द मेंबर प्रेजेंट इन द ग्राम सभा मीटिंग, ठीक है। फिर स्थायी समिति कौन कौन सी है, तो इसमें आपकी सामान्य प्रशासन समिति भी है, कृषि भी है और शिक्षा भी है, ठीक है, तो तीनों सही है। ये आपके पॉलिटी के क्वेश्चन है। फिर आपको कौन सा मिलेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये राष्ट्रीय राजमार्ग और हवाई अड्डा, ये देख रहे हैं एमपी, एमपी का जो आपका ट्रांसपोर्ट वाला है, एक और ट्रांसपोर्ट अटल पथ मिला था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का, ये भी ट्रांसपोर्ट के हवाई अड्डा भी पूछ लिया और राष्ट्रीय राजमार्ग भी पूछ लिया, ठीक है, तो ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है। हर मतलब आपका 2019 में भी आपको एक क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मिलेगा और कभी आपको हवाई अड्डे से रिलेटेड मिलेगा, तो ये आपको जरूर याद रखना है, हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर तापीय विद्युत केंद्र मैंने बताया आपको, चाहे वो इरिगेशन प्रोजेक्ट हो या इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट हो, आपसे पूछा गया है, तो कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र संबंधित नहीं है, ठीक है, तो आपका दुंगलिया मुंडी खरगोन वाला है। फिर यहाँ नहीं है, कौन सा नहीं है, सिंचाई और जिला, ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे कि 2020 में, 2020 में और 2021 में दोनों में आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया है, मतलब आप सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, चार में से आप आंसर बताइए कौन सा नहीं है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन रहते हैं मिलान करिए, तो आपको कम से कम 2 से 3 आंसर, मतलब 2 से 3 आंसर पता होने चाहिए, तब आप सही आंसर टिक कर पाते हैं। ऐसे इसमें भी आपको लगभग सारे आंसर पता होने चाहिए, तब आप बता पाएंगे कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो नहीं वाले क्वेश्चन है ना, ये आप देखेंगे कि बहुत बार इस बार पूछे गए, मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये नहीं नहीं है, नहीं है, कितने सारे आपको मिले, ये मिला है, ये मिला है, ये मिला, यहीं पे कितने सारे नहीं वाले ऑप्शन मिल गए आपको, क्वेश्चन मिल गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो टफ बनाते हैं पेपर को, और उसमें अगर आपने एक दो में भी मिस्टेक कर दी, नहीं नहीं पढ़ा, तो फिर आप मतलब वो क्वेश्चन गलत करके आएंगे, वो बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए बहुत आराम से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। ये देखना है आपको, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, ये आपका है बारना घाटी, ये उज्जैन में नहीं है, ठीक है। फिर मालवा सूती वस्त्रों के लिए स्थापना और काली मिट्टी मालवा में है, ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है। टेक्सटाइल मिल्स भी हैं यहाँ पे, और आपका मालवा प्लेटू जो है कवर्ड विथ ब्लैक सॉइल, ठीक है, दोनों आंसर सही है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको मतलब 2 सेंटेंसेस दिए रहेंगे, उसमें से बताना होगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। ये एक्चुअली जो है यूपीएससी का पैटर्न है, ऐसा यूपीएससी आपने क्वेश्चन देखे होंगे, अगर कभी भी पेपर देखेंगे यूपीएससी का, तो ऐसे पैटर्न यूपीएससी में रहते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश वाले भी, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं, ठीक है, इसके ये हो गया, इसके पहले अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये वाले क्वेश्चन, ये भी, ये कठिन इसलिए भी है क्योंकि आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी, ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं, यूपीएससी की मतलब पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये क्वेश्चन देखिए आप, केवल दो को केवल 1 2 1 3, ये सारे जो हैं ये यूपीएससी की पैटर्न पे फॉलो हो रहा है। आपको भी अपनी तैयारी थोड़ा सा अपग्रेड करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, जिससे आप जो भी पेपर का बढ़ रहा है लेवल, उसको आप पा पाए। उसके अलावा कट ऑफ भी देख रहे हैं कितना ज़्यादा हाई जा रहा है, तो ये भी अपने को ध्यान में देकर चलना है, ठीक है। फिर भोपाल ग्रह त्रासदी, ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट वाला है, ये साइंस वाले में एक टॉपिक है डिजास्टर का, ठीक है, 84 में हुआ था, तो ये भी आपको लेके चलना है। अब जैसे इसके अलावा डिजास्टर वाले जितने भी हैं, तो डिजास्टर में आ सकता है, ये आपको ध्यान दे के चलना है, इंडिया लेवल पर भी, एमपी लेवल पर भी। टोली कोशिकाएं, ये साइंस का है, साइंस में भी जो आपके ह्यूमन बॉडी वाला मैंने बताया, बायो वाला जो आपका मेन है, बायो वाले सेक्शन से है, ठीक है। तो कौन सा था, ये आपका था टेस्टिस,
ठीक है, वृषण, फिर यूनिसेफ का मुख्यालय। देखिए मैंने बताया कि अभी WHO का फूला हुआ पूछा हुआ था, ठीक है, कब स्थापना हुई है, तो उसके अलावा यूनिसेफ का मुख्यालय पूछ लिया, इसके अलावा इसकी स्थापना भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे जितने भी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनके आपको मुख्यालय, उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये सारे उसमें जितने भी मेंबर है, ठीक है, मेंबर जितने भी है वो भी याद करके रखना है, ठीक है। तो यूनिसेफ का कहाँ है, ये है आपके न्यूयॉर्क में। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संग में स्रावित होता है, इन विच ऑर्गन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड, ये कहाँ होता है, ये होता है आपके स्टमक में, आमाशय। फिर स्कर्वी लोग, ये मैंने बताया आपके ये किससे है, ये भी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हो गया, ठीक है, बायो वाला पोर्शन। फिर स्कर्वी रोग किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से होता है स्कर्वी रोग। तो ये क्या हो गया, ये न्यूट्रिशन वाला सा हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशन, ये भी आपके साइंस से ही रिलेटेड है। तो न्यूट्रिशन वाले में भी आपको देखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बायो से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, साइंस में कम से कम आप 2 से 3 क्वेश्चन बायो के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये हो गया संविधान के अनुच्छेद 51 का, जो आपका 51A है, उसमें प्रोविजन है टू अबाइड एंड रिस्पेक्ट, तो किससे रिलेटेड है, ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड है, और पॉलिटी से भी कौन सा सेक्शन है, मैंने फंडामेंटल राइट बता ही दिया था, ये है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी से एक क्वेश्चन आ गया। तो फंडामेंटल आपके फंडामेंटल राइट जो है उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, मैंने बताया था प्रेसिडेंट से आता ही आता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मिलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ये आपको किससे रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट से भी एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन देखने मिलते हैं हर बार, ठीक है, वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो आपको बहुत पीछे कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके सही होते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो ये सारा आपको ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन करना है। इसका जो आपका जो आंसर है कि पालन और आदर जो टू अवॉइड एंड रिस्पेक्ट किसके लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, फंडामेंटल ड्यूटी में है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 268(2) में परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थित किया गया, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना है। ये क्या था आपका, तृतीय संविधान संशोधन, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1954। फिर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस आधार के अंतर्गत आती है, तो ये आता है उनका मूल अधिकार, मतलब जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है वो है डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही सीधे जा सकते हैं ये। फिर आर्थिक सर्वेक्षण, ये आपको देखना है किससे रिलेटेड है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड, मैंने बताया इकोनॉमिक में आपको मेन अगर फोकस करें कि बिल्कुल इकोनॉमी से ही रिलेटेड हो तो आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक जैसे ये हो गया योजना से रिलेटेड, तो इकोनॉमी में तो एक किसी ना किसी योजना के बारे में पूछ लेगा, तो एक क्वेश्चन तो योजना को हो गया। दूसरा फिर ऐसे क्वेश्चन हो गया कि IMF ने क्या बोला है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इकोनॉमी में आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं और ज़्यादा जो पोर्शन है वो आपका किसका रहता है, पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटी का आपका 6 से 7 क्वेश्चन रहेंगे। यूनिट कौन सी है, 6। मिड डे मील कब आया, 1995 में, ठीक है, तो ये की थी 11.5%, ठीक है। मुद्रा राक्षस, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, हिस्ट्री में ये किससे रिलेटेड जाएगा, ये आपका जाएगा एंशियंट से, ठीक है, प्राचीन, मैंने बताया था एंशियंट से आपको कुछ मिलेंगे, विशाख दत्त हो गया, सिंधु सभ्यता की मुहरें, ये कौन सा वृक्ष मिला है, ये पीपल मिला है आपको, ठीक है, पीपल, तो ये याद रखना है, ये भी आपका एंशियंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। फिर प्रशासनिक व्यवस्था अद्वितीय थी, हाँ, कि ग्राम स्वायत्तता का विकास थी, द यूनिक फीचर ऑफ हुज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज द डेवलपमेंट ऑफ विलेज अटोनमी, किसका था, ये आपके चोला था, ठीक है, चोला साम्राज्य का, तो ये भी आपका किससे हो गया, एंशियंट से रिलेटेड हो गया। एलोरा एलिफेंटा केव, ये राजकोट से रिलेटेड है, ये भी एंशियंट से हो गया। महमूद गजनवी, ये आपका मिडीवल से हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे एंशियंट के 4 हो गए, और मॉडर्न के मैंने बताया था, मॉडर्न के भी आपको कितने मिल गए हैं, मॉडर्न के भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। मिडीवल का यहाँ पे आपसे 1 से 2 क्वेश्चन है 2020 में, लेकिन आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, उसमें आपके एंशियंट के कम हो गए, तो एंशियंट मिडीवल ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मॉडर्न पक्का है कि वहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था, ये विद्याधर ने किया था, ये MP के अंतर्गत भी आएगा, ठीक है, MP वाला पोर्शन आएगा। तो मैंने ये आपको पूरा बता दिया शुरू से लेके लास्ट तक कि आपको
चलिए शुरू में चलते हैं। तो ये मैंने बताया कि आपको 10 यूनिट है, ठीक है, 10 यूनिट है। उनमें से टारगेट कितना करना है, उसमें आपको 75+ टारगेट करना है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश को टारगेट करिए। मध्य प्रदेश में जैसे 40 क्वेश्चन है, और 2020 में आपके 33-34 क्वेश्चन ही पूछे गए थे सिर्फ, ठीक है ना। 2021 में तो फिर भी 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन में से आपको टारगेट करना है, जैसे 40 क्वेश्चन है तो यहाँ से आप 35-36 तक टारगेट करिए, यहाँ से बन जाए, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश के अलावा हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न पे ज़्यादा ध्यान काम करना है, ठीक है, मॉडर्न पे ज़्यादा काम करना है। फिर आपका हो गया पॉलिटी, पॉलिटी में कुछ सेक्शन है जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। फिर उसके अलावा क्या हो गया आपका, प्रेसिडेंट बता ही दिया मैंने, ठीक है। उसके अलावा पार्लियामेंट हो गया, ठीक है। फिर यूनियन मिनिस्टर वगैरह हो गया, जैसे कि आपके मध्य प्रदेश वाले सेक्शन में जो आपका कैबिनेट मिनिस्टर है, वैसे ही यूनियन मिनिस्टर है, उनके बारे में पूछा जा सकता है पॉलिटी वाले सेक्शन में। तो ये कुछ, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। पॉलिटी से हो गया, ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी में अब आपको ध्यान देना है कि इंडियन और वर्ल्ड दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत, मतलब बराबर ही है। इंडियन से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वर्ल्ड के भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी अलग अलग, मतलब माउंटेन भी पूछेगा, प्लेटू भी पूछेगा, प्लेन भी पूछेगा। उसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये भी पूछेगा, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से मिल रहे हैं ये भी पूछेगा। तो आपको सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या बच रहा है, इकोनॉमी, इकोनॉमी से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, 3 से 4, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको ध्यान देना है कमीशन पे, जो आपका आयोग है, आयोग से 10 नंबर के लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। 2020 में भी लगभग 10 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ से आपको कमीशन पर टारगेट करना है, कमीशन के क्वेश्चन गलत नहीं जाने चाहिए। फिर इसके बाद आप क्या टारगेट करेंगे, कंप्यूटर, कंप्यूटर के आपके इस बार जैसे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कंप्यूटर वाला जो है वो मैंने बताया आपका स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ जा सकते हैं, डीप क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर भी इसमें से आपको 6 से 7 क्वेश्चन टारगेट करना है और इसको अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है। कुछ आपके, मतलब आप ध्यान रखिएगा कि कुछ आपके ऐसे टॉपिक होंगे जो कि स्ट्रांग होंगे, ठीक है, और जो कुछ होंगे वो वीक होंगे। तो आपको स्ट्रांग को और स्ट्रांग बनाना है, और वीक को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि वो आप, जैसे कि ये वाला हो गया आईटी में, 6 से 7 क्वेश्चन आप उसमें सही कर ही ले जाएं, ठीक है। ऐसे ही करके आप क्या करेंगे, 75+ स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू।